के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के कारण देश के 130 करोड़ नागरिकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें पहले 3 महीने फिर अब नवंबर तक देश के करीब 80 करोड़ गरीब नागरिकों को फ्री अनाज देने के निर्देश दिए थे। लेकिन गंजवासौदा तहसील की शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों पर नागरिकों से अनाज के बदले रुपए लिए जा रहे हैं। जब इस विषय में क्षेत्र की फूड अधिकारी मीना सोनी से बात की तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने चैनल पर भाषण दिया है और हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है, इसलिए हम पैसे ले रहे हैं। इस विषय में क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक जैन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी में यही अंतर है, कहते हैं कुछ और करते कुछ नहीं। गंज वासोदा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। संबंध में मध्य प्रदेश शासन से हमें भी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए, जैसे शासन के आदेश प्राप्त होंगे उसके अनुसार करेंगे। उन्होंने उसको न्यूज चैनल पे कहा है, मध्य प्रदेश शासन से हमारे पास जब तक आदेश नहीं आ जाते हैं लिखित में, जब तक हमें संबंध को करते मैडम। अभी फूड अधिकारी ने बिल्कुल सही बोला है, उसका कहना यह है कि जिस तरह से 20 लाख करोड़ रुपए का लोन लोगों को दिया जाना चाहिए था, मगर आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का किसी को लोन मिला है। वही बात देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि नवंबर तक देश की आधी से अधिक आबादी को, 60% से अधिक आबादी को हम निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करेंगे, हमें भी उम्मीद जगी थी कि हो सकता है मोदी जी इस बार सही बोल रहे हों, मगर फूड ऑफिसर का बयान अपने आप में दर्शाता है कि मोदी जी ने जो बोला था वह सही नहीं है। यदि कांग्रेस बोलती तो हमारे भाजपा के मित्र बोलते कि कांग्रेस को तो आरोप लगाने की आदत है, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के अधिकारी बोल रहे हों कि हम किसी को निःशुल्क अनाज नहीं दे रहे, हर चीज़ सशुल्क है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी को कि यदि उस समय कांग्रेस की यूपीए सरकार 1 रुपये किलो पे गेहूँ और 1 रुपये किलो पे चावल देने का निर्णय नहीं लेती तो आज इस देश की जनता का क्या असर होता, कितनी परेशान होती है, तो सोच के ही हमें अपने आप में डर लगता।